नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मैं हूं एसके दास। तो साथियों, आज हम लोग आए हैं टाउनशिप में। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है जिसको त्रिशक्ति धाम का नाम से जाना जाता है। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है, लोग यहां घूमने के लिए आते हैं। रौनकला का हर जगह से लोग यहां घूमने के लिए आते हैं। चलिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। काफी खूबसूरत सा मंदिर है। ये आपका गेट है, बगल में रोड है। बगल में रोड है, आप लोग देख रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये गेट, चलिए देखते हैं अंदर। काफी खूबसूरत सा मंदिर है। अंदर का नजारा आप लोग देख रहे हैं, काफी अच्छा है। भगवान शिव जी का मंदिर, बाबा भोलेनाथ को काफी अच्छा बनाए हैं, काफी अच्छा लग रहे हैं। बगल में और भी मंदिर सब है। मंदिर जो है इसका ऊपर में है, चलेंगे हम लोग ऊपर। दुकान सब है आप यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए, यहाँ से सामान वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ का जो ज़्यादातर शाम में जब आएंगे उस समय काफ़ी अच्छा भीड़ रहता है। शाम का नज़ारा देखने ही बनेगा। सीढ़ी है, चलिए हम इधर से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका दूसरा गेट है। नीचे में कुछ भक्ति के भजन किया जा रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखने में कोशिश करते हैं। चल चला जा। चलिए और थोड़ा हम जानने का कोशिश करेंगे। काफी खूबसूरत सा मंदिर है। 2022 में उस मंदिर का शुभारंभ हुआ। यहाँ में कुछ कैंटीन वगैरह है। चलिए साथियों चलते हैं अंदर, चला जाए मंदिर चलेंगे। चलिए चला जा। अरे इधर आ जा। मंदिर काफी खूबसूरत है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इधर में तीन मंदिर है। फूल सब काफी अच्छा लग रहा है। अब हम लोग ऊपर आ गए हैं। बाहर अब गेट का नजारा आप लोग देख रहे हैं। काफी अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा इसको बनाया है। बाहर का नजारा आप लोग देख रहे हैं। बगल में हाईटेक हॉस्पिटल है, हाईटेक हॉस्पिटल है। ऊपर काफी अच्छा बनाए हैं। ये एंट्री गेट है, आउट गेट दो ठू है। काफी खूबसूरत सा मंदिर है, काफी अच्छा बनाए हैं त्रिशक्ति धाम को। रौनकला का सबसे खूबसूरत मंदिर में इसको गिना जाता है। बगल में रोड है, आप लोग देख रहे हैं।
चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। मंदिर का खूबसूरती काफी अच्छा है, अब देखेंगे तो वाकई आप बोलेंगे। सिक्योरिटी मैम लोग खड़ी है, आप अंदर का नज़ारा देखेंगे तो वाकई लगेगा कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं राउरकेला का कोई मंदिर में घूम रहा हूँ। अब इसका जो डिज़ाइन देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, इसका बनावट काफ़ी अच्छा लगा हमको, बहुत ही अलग टाइप का लगा। आप लोग ये देख रहे होंगे, इसका डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। मंदिर आप देखेंगे तो फिर तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते हैं, इतना खूबसूरत मंदिर है, लाखों का बजट में बनाए हैं। ऊपर का जो डिजाइन आप देखेंगे वाकई लगेगा बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत अच्छा सजाया गया है इसको। बगल में चेयर सब रखा गया है, राजू भी वहां में घूम रहा है। इसका जो डिजाइन आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, इतना खूबसूरत डिजाइन है। इसको जो सजाया गया है फूल सब जो ऊपर में सजा हुआ है काफी अच्छा है। तो साथियों मंदिर का खूबसूरती काफी अच्छा है, आप लोग देख रहे हैं। तो साथियों हम लोग पूरा मंदिर देख लिए, अब थोड़ा मंदिर तो बंद हो गया सर जी, क्योंकि अभी 1 बज रहा है, अब मंदिर बंद हो गया, तो मैं आपको बाहर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये है जो यहाँ मैं आपको बालाजी महाराज जी का मंदिर है, पहला है। फिर बीच में जो है माता रानी रानी सती जी का मंदिर है। फिर अगर बगल में चलेंगे साइड में, इसमें आपका कटू श्याम जी का मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। लेकिन हम लोग किस्मत अच्छा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गया और मंदिर बंद हो गया है। लेकिन मंदिर का जो बनावट है काफ़ी अच्छा है, अब देखेंगे ऊपर का डिजाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो साथियों ये त्रिशक्ति धाम आपको कैसे लगा, आप लोग कमेंट करेंगे। काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा मंदिर है, तारीफ के काबिल है। तो साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका भाई अस्के दास को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।